हेलो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। भगवान की दया से आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। तो अभी सुबह के लगभग 8:30 बज रहे हैं। तो अभी जो है वो कल ही शाम में आई थी, जैसा कि मैंने बताया था, काम करके वो चली गई थी। तो आज संडे है, वो व्रत रखती हैं, तो आज वो आएंगी नहीं। तो रात में खाना बनाया भी नहीं था, जैसा कि कल का ब्लॉग आपने देखा होगा, हम लोग बाहर खाने चले गए थे तो किचन उसी तरह से साफ था। तो अभी मैं बना रही हूँ चना का दाल दे करके कद्दू। तो चना का दाल पहले ही गर्म पानी में मैंने भिगो लिया था और कद्दू को पूरा पतला पतला काट दिया और चना का दाल जो था उसको धो लिया। चना के दाल में कद्दू डाल के नमक, हल्दी, हींग और तेजपात डाल के अच्छे से मिला दूँगी। और एक जितना लेवल में कद्दू आ रहा है उतना ही लेवल मिला के मैंने पानी डाल दिया है और इसको इंडक्शन पर फिट करके और इसमें मसाला डालने के लिए जो इसका ग्रेवी तैयार करूँगी वो प्याज, लहसुन, अदरक और टमाटर होगा, एक लाल मिर्च होगा। तो आप लोग देख रहे हैं अचीवमेंट इन ऑल, मैं हूँ आपके साथ नम्रता। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल करिएगा सब्सक्राइब, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और अपना कमेंट ज़रूर शेयर करिएगा। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देने का प्रयास करती हूँ और देती हूँ। यहाँ मेरा चावल हो गया था तो मुझे लगा वो नहाने जा रहे हैं तो मैं खुद ही चावल को पसा लेती हूँ, लेकिन तब तक वो देख लिए, बोले नहीं ये सब काम मत किया करो। तो वो नहाने के लिए जा ही रहे थे ताकि उन्होंने चावल को पसा दिया। काफ़ी कोऑपरेटिव इंसान है। और यहाँ पर मैंने ग्रेवी तैयार कर लिया है, मिक्सी को फिर उसी तरह से उठा के रख लूँगी और बस यही चना का दाल वाला कद्दू और चावल बनाऊँगी। और मैंने अभी स्नान नहीं किया है क्योंकि मैंने कहा ना, कभी मन करता है मैं 12 बजे रात में भी नहा लेती हूँ, कभी इतनी गर्मी लगती है तो इस तरह से। और किचन क्लीन था तो हिम्मत थोड़ा सा मन में हुआ कि नहीं मैं कर देती हूँ। बोले कि मैं बना देता हूँ, लेकिन वही है किचन वगैरह साफ रहता है, मन में होता है चलो मैं बना ही लेती हूँ। बैठे बैठे मैंने कद्दू कट किया तो फिर मुझे लगा अच्छा चलो मैं लगा ही देती हूँ तड़का, चलो चढ़ा ही देती हूँ धीरे धीरे करके, क्योंकि जब साफ वाफ सब कुछ रहता है तो उतना मन भारी नहीं लगता है। और ये जो 1-2 गिलास सुबह का जो जमा हुआ है चाय वाला कप, आप घर देख रहे होंगे ग्लास वगैरह, तो ये सब चीज़ मैं अभी ही धो लूँगी क्योंकि आज तो ये आएंगे नहीं दिन भर, अब कल का देखते हैं क्या होता है। तो खाना बना लेती हूँ मैं और बनाते समय मैं कई बार साफ करती हूँ स्लैब्स को, जैसा कि आप लोगों को पता है। और मसाले में मैंने तड़का लगा दिया, मसाले को अच्छे से भून लूँगी और उसके बाद फिर कस्तूरी मेथी वगैरह डाल के इधर जब कद्दू वगैरह कद्दू हो जाएगा 10-15 मिनट मैंने एकदम मीडियम फ्लेम पर रख दिया है उसमें डाल दूँगी। तो यहाँ पर जो छोटा मोटा बर्तन है जो अभी मैंने कहा था उसको मैं धो लूँगी। तो अब ऐसा है कि करने का कोशिश मैं करती हूँ लेकिन अब नहीं कर पा रही हूँ। मुझे लगता है कि मतलब एक आप लोग जानते होंगे कि पता नहीं वीकनेस के कारण होता है क्या होता है, हाथ पर पूरा एकदम झुनझुनाहट टाइप का लगने लगता है, अचानक से क्या होने लगता है। तो अब मुझे 1-2 दिन से नींद में भी ऐसा होने लगा है। तो अब मुझे लगता है कि शायद मुझे डॉक्टर ने कहा भी था कि अब अकेले नहीं रहना है, किसी को बुला लीजिए। तब देखती हूँ मम्मी किस दिन आ पाती है, क्योंकि ये दिन दिन भर इनको ऑफिस में लग जाता है और बाबू स्कूल में रहता है तो फिर मेरे साथ पूरा मुश्किल हो जाता है। दिन भर अगर मैं सोफ़ा पर भी लेट जाऊँ तो भी मुझे बिल्कुल उठना मेरे लिए अब मुश्किल हो जा रहा है, शरीर बहुत ज़्यादा भारी होने लगा है। तो यहाँ पर मैं लगे हाथ 1-2 प्लेट जो भी होता है उसको मैं धोते जा रही हूँ, रखते जा रही हूँ, क्योंकि अगर अभी से मैंने जमा करना शुरू कर दिया और आज संडे है, कल मंडे को वो कब आती हैं नहीं आती हैं तो पूरा मेरे किचन की स्थिति ख़राब हो जाएगी। इसीलिए तो यहाँ पर मेरा पूरा अच्छे तरीके से मसाला जो है भुना गया है, तब इसमें मैं कद्दू डाल दूँगी। और ये इतना टेस्टी ये सब्ज़ी बना था, इतना अच्छा बना था, लहसुन प्याज अदरक टमाटर बस 4 चीज़ डाला था मैंने और कस्तूरी मेथी था और मसाला जो आप डेली यूज करते हैं तो वो मसाला था, थोड़ा लाल मिर्च पाउडर था, गरम मसाला मैंने नहीं डाला था और काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बना था। इसमें दाल बनाने की भी आवश्यकता नहीं थी, जैसे मैं जो बोल देती हूँ कि ये बना देती हूँ तो वो मान लेते हैं और फिर मुझे लगता है चलो कुछ अच्छा ही बना देते हैं। अब इसको थोड़ा सा, चूँकि दाल नहीं था थोड़ा सा ज़्यादा मैंने इधर से डाल दिया और इसको अब पूरा फ्लेम लो कर दूँगी और ढक्कन लगा दूँगी 10 मिनट के लिए। थोड़ा सा नमक डाल दूँगी क्योंकि रस डालने के बाद नमक थोड़ा कम लगेगा। तो यहाँ पर ये लोग भी नहा के रेडी हो गए हैं, ये भी, बाबू भी, और आज तो बाबू का स्कूल भी बंद है तो चावल तो मेरा बन ही गया है, वो पसा ही दिए। उसके बाद अब यहाँ पर मेरा 10 मिनट हो गया है, मैं एक बार और चला के देख लूँगी कैसा बना
और उसके बाद अगर और भी इसको ढकने की ज़रूरत होगी। और ये देखिए सारा मसाला तेल सब कुछ ऊपर आ गया, इतना सुंदर है, इतना देखने में इतना अच्छा लग रहा है, खाने में ये इतना टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी बना था। चना दाल के कद्दू, चना दाल दाल कर कद्दू की सब्ज़ी। तो मैंने इनको खाना लगा दिया और वो क्लिप मैंने शूट नहीं किया, मैं जल्दी जल्दी इनको देने में थी क्योंकि इनको जल्दी जाना था। तो मैं दोबारा आपको निकाल के दिखा रही हूँ ताकि ये ठंडा कर और भी रहे, थोड़ा गर्म है तो खाने में इनको लेट होगा। और ये और बाबू उस रूम में खा रहे हैं, तो इसी तरह से प्लेट में निकाल कर थोड़ा सा शुद्ध घी डाल के मैंने इनको दिया था, तो काफ़ी टेस्टी बना था। और दोनों मिल के उस रूम में खा रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, तो मेरे हस्बैंड ज़्यादा नीचे ही बैठ के खाना पसंद करते हैं। टेबल लगाती हूँ और मैं उसमें खींच वगैरह भी नहीं पाती हूँ टेबल सब, तो सब कुछ वो समझते हैं, बहुत अच्छे हैं। और लेकिन वही एक थोड़ा सा गुस्सा भी है। उसके बाद फिर इनको भेजने के बाद मैं भी नहा कर आई थी, खाना पीना खा लिया था और आराम किया था। लगभग वही खाना बनने में एक घंटा का समय लग ही जाता है लगभग, तो वही 9:30-10 बजे ये निकल गए थे। फिर थोड़ा देर किसी के बाहर जाने का तुरंत स्नान नहीं करना चाहिए, थोड़ा देर मैंने टीवी वगैरह देखा, 11 बजे के आसपास स्नान किया और फिर खाना पीना खा के हम दोनों ही सो गए। तो बाबू तो अभी सोया ही है, तो यहाँ पर मैं दोपहर का समय है तो मैंने इसको कम सोफे के कवर को डाला था। यहाँ पर जो है ये नाइटी मैंने जिसको काट कर छोटा कर दिया था, नाइटी तो बहुत सारा है लेकिन कभी मन करता है ये पहनूँ, कभी वो पहनूँ, कभी छोटा करके पहनूँ, कभी कुछ करूँ, मतलब एक अजीब सा मन लगता है। तो यहाँ पर मैं सारे कवर को, सोफ़ा के कवर को, पीलो कवर को सबको उठा लूँगी और उसके बाद जो कपड़ा धोया था उसको मैं डाल दूँगी, क्योंकि कपड़ा भी मैं लगातार धोते रहती हूँ, जमा नहीं होने देती हूँ, क्योंकि मुझे ही लगता है कि वो अब कितना करेंगे। और मुझे नींद दोपहर में आती नहीं है, बाबू सोया था तो मुझे लगता है कि मैं कौन सा काम निपटा लूँ, क्या करूँ, तो धीरे धीरे मैं ये सब काम कर रही हूँ। और सोचिए कि मेरे घर से आने से कितना दिन हो गया, 31 मार्च को मैं आई हूँ, मेरा VIP वगैरह उसी तरह रखा हुआ है, मतलब क्यों इस तरह। और मैंने डॉक्टर से कहा था तो डॉक्टर कहे थे कि जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम था, डॉक्टर खुद मुझे बोल रहे थे, तो मेरा दूध जल रहा होता था, मैं मुझे लग रहा था कि मेरा दूध जल रहा है, उसके बावजूद भी मैं नहीं उठती थी। आप तो फिर भी बहुत करती हैं जैसा बताती हैं, तो सबके साथ अलग अलग परेशानी होती हैं। तो अब मैं यहाँ पर आ गई हूँ कुछ देर, जैसे कि कपड़ा उठाया, कपड़ा डाला, फिर मैं 10 मिनट बैठ जाती हूँ क्योंकि दम फूलने लगता है। फिर यहाँ पर मैं किचन आई हूँ और किचन में जो भी अब बर्तन है अब मैं नहीं धुलूँगी, क्योंकि मुझे पता है कि अब तो शाम का समय हो ही गया, वो तो आएंगे ही आएंगे, तो अब मैं अभी से बर्तन जमा करना शुरू कर दूँगी, सब कुछ उठा के नीचे रखूँगी। अब ये ऑफिस में है, अब बाबू सोया है तो अब मेरा बर्तन नीचे कौन रखेगा, वैसे भी बाबू के बस की बात नहीं थी ये, तो ये एकदम मैं धीरे धीरे नीचे बैठ के, कई काम ऐसा होता है जो बैठने उठने के कारण छूट जाता है, कई काम ऐसा होता है परेशानी होती है, तो मुझे परेशानी तो हो रही है लेकिन मैंने सारे बर्तन को अब नीचे रख दिया। अब से मैं कोई बर्तन नहीं धोऊंगी क्योंकि शाम होते ही थकावट फील होने लगता है। और यहाँ पर बाबू का टिफ़िन है और कुछ सामान वगैरह उस रूम में था जो दोपहर में पूरा ग्लास कप ये वो प्लेट, कभी बैठे बैठे मिक्सचर खाने लगे, कभी रस खाने लगे, इसमें हो जाता है जमा बर्तन, वो सब मैं इकट्ठा करूँगी। चावल को छोटे बर्तन में रखूँगी, सब्जी को गर्म करके छोटे बर्तन में रखूँगी क्योंकि अब शाम का समय हो गया है, गर्मी है, सब्ज़ी गर्म नहीं करूँगी तो वो ख़राब हो जाएगा। और सब्ज़ी को बहुत मेहनत से बनाया है, बहुत टेस्टी बना है सब्ज़ी, तो सबको मैं खाली करके सारे बर्तन को मैं नीचे रख दूँगी, जो छोटा बर्तन जो ज़रूरत वाला होगा, जैसे बाबू का टिफ़िन हुआ, ग्लास कप हुआ, सबको मैं ऊपर में धो लूँगी और पूरा स्लैब्स और गैस एक बार पोंछ के मैं किचन से निकल के निश्चिंत हो जाऊँगी। बाद में मैं सोचूँगी कि मुझे क्या बनाना है, क्या करना है, और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं शाम का झाड़ू दूँगी, जो अपना शाम का काम होता है, बेड ठीक करना, बाबू को उठाना। तो इस तरह से दिन तो कट ही जाते हैं, काम करने का मन तो नहीं करता है लेकिन डर सा एक बना रहता है। कई लोग बोलते हैं कि आदमी को लेटना नहीं चाहिए, काम करते रहना चाहिए, शरीर को चलाते रहना चाहिए, लेकिन जब इस बार मैं दिखाने गई, जब डॉक्टर ने कहा कि नहीं आपका तो सांस फूलता है, या इसको सांस उखड़ना भी कहते हैं, तो इसमें जो है आप अगर इस तरह से करते रह जाइएगा तो अचानक आप गिर भी सकती हैं, ये सब तरह की बातें बता दी। फिर उन्होंने 21 मई को बुलाया है मुझे, तो यहाँ किचन का काम करके मैंने किचन की लाइट को बंद कर दिया, किचन का काम ख़त्म हो गया। कुछ कपड़े मशीन में थे उसको मैं निकाल लूँगी और देखती हूँ अब इस कपड़े को मैं कहाँ डालती हूँ, क्योंकि बालकनी तो पूरा फुल हो गया है। और इस तरह से मैं पूरा झाड़ू भी दे दूँगी, आज वो आई नहीं है, पोछा नहीं लगा है,
तो यहाँ पर देखेंगे बाबू अभी सोया ही है, तो लाइट मैंने ऑन किया, अब मैं इसको उठाऊंगी, देखती हूँ ये उठता है या नहीं उठता है। बोला थोड़ा देर मैं और सोऊंगा, बस 10 मिनट सोने दो बिट्टू, तो मैं यहाँ झाड़ू देकर निकल जाऊंगी, लाइट बंद करके सोएगा। लगभग 5:30 अभी हो रहा है, 5:30-6, तो मैं चारों तरफ मैं झाड़ू दे करके और फिर इस कपड़े का देखती हूँ कहाँ मैं अरेंज इसको कर पाती हूँ। उसके बाद ये सोफ़ा का कवर वगैरह है, इसको फोल्ड करना है, तो 5-10 मिनट में इसको उठाऊँगी, फिर इसको भी बॉर्न बिठा दूँगी। काम तो ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है, और जिसको काम करने की आदत रहती है उसे बैठे बैठे मन भी नहीं लगता है, और यहाँ पर ये उठ के आ गया है। तो यहाँ पर मैं सारा, और गर्मी बहुत लगती है जब मैं काम करती हूँ, तो नहीं भी करूँ तो इस सिचुएशन में गर्मी लगती है। तो यहाँ पर मैं सारा कवर गोदरेज में कुछ भी फोल्ड करके मैं नहीं रख रही हूँ, बेडशीट वगैरह भी जो फोल्ड किया, क्योंकि मेरे दिमाग में है क्या कि ऊपर में तो गोदरेज ऊपर वाला तो पूरा मैंने अच्छे से उसको अरेंज कर दिया है जो मंगाया था शर्ट कवर उसमें रख के, लेकिन बीच वाला पूरा भरा है। बस वही 5 दिन से सोच रही हूँ कि अब खाली करूँगी, अब फोल्ड करूँगी, लेकिन वही है कुछ नहीं हो पाता है। जो ग्रॉसरी का सामान मंगाई हूँ उसी तरह हॉल में रखा हुआ है, उसी बास्केट में, तो जिस तरह जब जैसा होता है तब फिर भी मेरे हस्बैंड आते हैं, बोलते हैं कि तुम बहुत करती हो, इतना मत किया करो, इसीलिए थक जाती हो, परेशानी बढ़ती है। लेकिन आखिर आदमी बैठे बैठे कैसे समय गुजारेगा, कितना कोई टीवी देख सकता है, कितना कोई किसी से मोबाइल पे बात कर सकता है। तो इस तरह करके मैं सारा कवर और ये पिलो कवर सब फोल्ड करके रख लूँगी, इसमें मैं बेडशीट बिछा लूँगी अच्छे से, और जो कपड़ा है उसको पहले मैं सुखाने का प्रयास करूँगी। मैं सोचती हूँ दे दूँ वो जो सुखाने वाला ख़रीदा है उसी पर मैं डाल दूँ, और पंखा वगैरह चलते ही रहता है जहाँ हम लोग सोते हैं, रात में भी अगर वहाँ खड़ा कर देंगे तो रात भर में वो सूख जाएगा। तो यही सोच रही हूँ मैं, तो जितना छोटा बड़ा कपड़ा है उसके, उसको मैं टब में सारा उतार के रख लूँगी, बाद में मैं उसको फोल्ड करूँगी। और अभी 6 बज गए हैं, 6:15 के आसपास, तो सारा कपड़ा फोल्ड करके रख दूँगी और 1 घंटा मैं आराम करूँगी। उसके बाद आराम करने के बाद मैं किचन जाऊँगी और रात के खाने में लगूँगी। तो डियर, इस वीडियो को, इस ब्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में। इसी तरह सुबह से शाम तक मेरा कंप्लीट आज संडे का हुआ, और अभी तो 6:15 के आसपास हो रहा है, तो बाबू को बॉर्नविटा दे दिया है मैंने, और अब तो 1 घंटा मैं पूरी तरह से आराम करूँगी। 7:30-8 बजे के आसपास मैं किचन जाऊँगी, खाना बनाऊँगी। तो फिर मिलती हूँ आपसे मैं अपने अगले ब्लॉग में, बने रहिए इस चैनल के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट कर बताइएगा आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। आप लोगों के लिए ही मैं रोज़ इतना मेहनत करती हूँ, और देखती हूँ कब तक मैं कर पाती हूँ। मैं भी कुछ समय बाद इसको देखूँगी तो मुझे लगेगा मैंने कितना किया था। तो यहाँ पर मेरा आलू परवल का सब्ज़ी रोटी रात के लिए बनना शुरू हो गया है, तो आप लोग भी खाने आ जाइए। मैं, मुझे थोड़ा आराम मिलता है, बस मैं लग जाती हूँ काम में, तो अभी लगभग 7:45 बज रहे हैं, और यहाँ पर मुझे लगता है 8:15 होते होते खाना मेरा बन जाएगा। और ये भी आ ही गए हैं, तुरंत आए हैं, बाबू गेट खोला है। तो चलिए डियर, मिलती हूँ मैं आपसे अपने अगले ब्लॉग में, अपना ध्यान रखिएगा, लव यू डियर, लव यू, बाय बाय।